हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निलीशा और आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक और डेनिम DIY बैग। सो आज हम बनाएंगे इस तरह का क्यूट सा प्यारा सा बैग। सो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं किया है। सब्सक्राइब के पड़ोस में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे ज़रूर हिट कर ले, इससे आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपने भाई की डेनिम, जो कि कुछ इस तरह की है। इसकी जगह पे आप किसी की भी कोई भी डेनिम ले सकते हैं, लाइक अपने पापा की डेनिम, अपनी बहना की डेनिम, अपने भाई की डेनिम, अपने बॉयफ्रेंड की डेनिम, और आप इसे अपने खुद की डेनिम के साथ भी बना सकते हैं। सो बैग बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे डेनिम के नीचे वाले पार्ट से वर्क करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि बॉटम वाले पार्ट से। हम यहाँ से इसे 18 इंच पर मार्क कर लेंगे, लाइक सो। इसे मार्क कर लेने के बाद में एक लाइन खींच देंगे, उसके बाद इसे कट कर देंगे। दूसरे वाले पैर में भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, आप इसे ट्रेस करके भी इसे कट कर सकते हैं। सो दोनों डेनिम कट करने के बाद में ये कुछ इस तरह की दिखेगी, यू कैन सी। अब हम इसका जो साइड वाला पार्ट है, जहाँ पे आपको इंटरलॉक दिख रहा है, इसे हम कट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी डेनिम में इंटरलॉक नहीं है तो आप इसे सिम रिपर से खोल भी सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका इंटरलॉक वाला पार्ट कट कर रही हूँ, देन इसकी स्टिचिंग खोल लूँगी। दूसरी वाले बॉटम में भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है और इसकी स्टिचिंग खोल लेनी है। दोनों बॉटम ओपन कर लेने के बाद में कुछ इस तरह की दिखेगी, यू कैन सी। अब हम इसे एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप दे देंगे। इसके लिए हमें मार्क करना होगा 16 इंच लॉन्ग, कुछ इस तरह से। 16 इंच लॉन्ग मार्क कर लेने के बाद में हम इसे 12 इंच वाइड मार्क करेंगे, कुछ इस तरह से, और इसे एक स्क्वायर शेप में स्केल से मार्क कर लेंगे। इसे स्क्वायर शेप में स्केल से मार्क कर लेने के बाद में हम इसे कट कर लेंगे। दूसरे वाले बॉटम में भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है और इसे कट कर लेना है, लाइक सो। इसे प्रॉपरली कट कर लेने के बाद में हम इसे साइड कर देंगे। अब मेरे पास है इस तरह का पिंक कलर का लेफ्ट ओवर फैब्रिक, इसे मैं अपने बैग के ऊपर वाले साइड में यूज़ करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। मुझे ये 14 इंच वाइड और 5 इंच लॉन्ग चाहिए, तो प्रॉपरली इसे स्केल से मार्क कर लेंगे और कट कर लेंगे। इस तरह की मुझे 2 स्ट्रिप चाहिए। सो 2 स्ट्रिप मैंने रेडी कर ली है, यू कैन सी। अब हम इसे इस तरह से चारों साइड से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे दोनों स्ट्रिप्स को। ये स्ट्रैप रेडी हो जाने के बाद में अब हम हमारे डेनिम वाले फैब्रिक की एक लेयर को कुछ इस तरह से बिछाएंगे और इसमें ऊपर की साइड इस तरह से इसे अटैच कर देंगे। दूसरी वाली डेनिम बॉटम में भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, ऊपर की साइड इसे इस तरह से रखना है और इसे प्रॉपर स्टिच कर लेना है। सो यू कैन सी, स्टिच करने के बाद में कुछ इस तरह की दिखेगी। अब हम डेनिम की दोनों लेयर को राइट राइट साइड पे फेसिंग करके कुछ इस तरह से रख देंगे और इसकी साइड स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। यू कैन सी, साइड स्टिच करने के बाद में और इसे राइट साइड में ओपन कर लेने के बाद में कुछ इस तरह की दिखे। अब हम हमारे बैग का बेस बनाना स्टार्ट करेंगे, जो कि इस साइड आने वाला है। बेस बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जीन्स का बचा हुआ फैब्रिक। बेस के लिए हमें 12 इंच लॉन्ग और 4 इंच वाइड फैब्रिक का रिक्वायरमेंट होगा। सो हम हमारी पैंट के ये वाली साइड में से इसे कट कर लेंगे। रिमेंबर, हमें इसकी ऊपर वाली लेयर कट करनी है, नीचे वाली लेयर अभी कट नहीं करनी है, क्योंकि बेस हमें एक ही लेयर में चाहिए। इसे रेडी कर लेने के बाद में हम इसे हमारे बैग के बॉटम में अटैच करना स्टार्ट करेंगे, कुछ इस तरह से। बैग के बॉटम में अटैच कर लेने के बाद में ये कुछ इस तरह का दिखेगा, यू कैन सी। अब हम आते हैं हमारे डेनिम के बैक वाले साइड में। आपको डेनिम के बैक वाले साइड में 2 पॉकेट दिख रही होगी। सो एक पॉकेट हम लोग इसमें से रिमूव कर लेंगे, कुछ इस तरह से। इनसी हमने पॉकेट रिमूव कर ली है। पॉकेट में ऊपर की साइड में आपको बटन दिख रहा हो, वो भी मैं इसमें से कट करने वाली हूँ।
सो यू कैन सी बटन कट करने के बाद में हमारी पॉकेट कुछ इस तरह की दिखेगी। अब मेरे पास जो पिंक कलर का लेफ्ट ओवर फैब्रिक है उसे मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और इसमें इस तरह से अटैच करने वाली हूँ। सो पिंक कलर का फैब्रिक अटैच करने के बाद में कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम इस पॉकेट को हमारे बैग में बीच में इस तरह से अटैच करने वाले हैं। इसे अटैच करने के लिए आप फैब्रिक ग्लू, हॉट ग्लू या फिर इसे स्टिच करके भी अटैच कर सकते हैं। हम हमारे बैग की स्ट्रैप बनाना शुरू करेंगे जिससे हम अपने बैग को पकड़ने वाले हैं। स्ट्रैप बनाने के लिए अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ जीन्स का लेफ्ट ओवर फैब्रिक। सो इसे हमें 4 इंच वाइड और जितनी भी लॉन्ग स्ट्रैप मिलती जा रही है उसे कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। डेनिम के लेफ्ट ओवर में से 2 से 3 स्ट्रैप कट की है। हम इन तीनों स्ट्रैप को ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। इन्हें ज्वाइन कर लेने के बाद में हम इसे बीच में से कट कर देंगे। सो यू कैन सी हमारे पास 2 स्ट्रैप आ गई है। अब हम इसे अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके इसे इस तरह से फिनिश कर लेंगे। सो हमारे पास 2 स्ट्रैप रेडी हो गए। अब हम इसे हमारे बैग के ऊपर वाले साइड में इस तरह से अटैच करना स्टार्ट करें। एक स्ट्रैप ऊपर की तरफ, एक स्ट्रैप नीचे की तरफ। एंड दैट्स इट, हमारा डेनिम बैग रेडी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।